हेलो क्यूटीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल इस वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस चीज के रिगार्डिंग वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा रिसेंटली परचेज्ड हॉल। पूरा हॉल वीडियो है ये। इसमें मैं आपको सारे अपने परचेजेस दिखाऊंगा जो भी मैंने रिसेंटली दिल्ली में मार्केट में, जब भी मैं 2-3 मार्केट गया हूँ। आपने उसके ब्लॉग्स तो देखे होंगे, शॉर्ट्स में भी डाला है मैंने, सब जगह तो आपने देख ही लिया है, बट स्टिल हॉल वीडियो इज नेसेसरी। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है बट अच्छी है। वीडियो एडिटिंग होने में थोड़ा टाइम लग गया और कुछ फाइल्स करप्ट हो गई थी, उनको डीकरप्ट किया, कुछ को रीशूट किया, तो उन सब चीजों में टाइम लग गया। तो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टुवर्ड आवर वीडियो। अपना हॉल देखते हैं, कपड़े देखते हैं, और इनमें से कुछ कपड़े अभी थोड़े से चिजल्ड हो रखे हैं तो उनको तो ध्यान मत देना। आप कपड़े की क्वालिटी देखना और पिक्चर जो मैं साइड में अटैच करूंगा या वीडियो अटैच करूंगा, जो भी मुझे मिलेगी वो अटैच कर दूंगा मैं। आप चेकआउट करके मुझे जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगे। फिलहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स पहले जो परचेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है हमारा एक ड्रीम कैचर। ये आपने मेरी कुछ स्पेसिफिक रील्स में देखा होगा, ये वाला ड्रीम कैचर। इट्स रियली ब्यूटीफुल। इसका कलर आप देख सकते हो, ये कुछ इसका ब्राउन और व्हाइट मिक्स कलर है, एंड इट लुक्स रियली गुड, रियली रियली गुड। और इसका प्राइस जानने के बाद तो आप लोग डर ही जाओगे। लाइक इट्स बिग, इट्स लॉन्ग इनफ, और इसकी क्वालिटी वाइज देखें, इसकी फर क्वालिटी, इसका जो भी थ्रेड है उसका क्वालिटी, इट्स रियली ग्रेट, एंड इट्स द बेस्ट परचेज ऑफ लाइक होम डेकोर अभी तक का मेरा पर्सनल। एक इससे पहले मैंने जो ड्रीम कैचर्स लिए थे वो भी मेरे कुछ अच्छे परचेज में से आते हैं, बट दिस वन इज थम्स अप, दिस वन इज ग्रेट भाई, ग्रेट। इसमें जो चीज बेस्ट है वो है इसके फर की क्वालिटी और इसकी जो लेंथ है, इसका जो ये इस तरीके से वाइडर है ना, ये जब हम इसे वॉल पे कहीं पे भी लाइक ऐसे लगाते हैं ना तो दिखता है भाई, इट लुक्स लाइक, देखो मेरे मुंह से भी बड़ा है ये, इट लुक्स सो बिग, इट्स रियली बिग। तो इसका प्राइस जानने के बाद आप लोग डरने वाले हो बहुत ज्यादा। तो इसका प्राइस ये मैंने सिर्फ लिया 150 में। पालिका के सामने एक भैया लगाते हैं और ड्रीम कैचर्स की ही उनकी शॉप है, वहां से मैंने थोड़ा सा बार्गेन करने के बाद, थोड़ा नहीं काफी बार्गेन करने के बाद 150 में मैंने ड्रीम कैचर लिया। और जो हमारी अब नेक्स्ट चीज है वो मैं आपको वो दिखाता हूँ, अभी इसको साइड रखते हैं। तो जो हमारी आप नेक्स्ट चीज देखने वाले हो ना वीडियो में वो है एक क्लोदिंग आइटम, जो कि आप मेरी पहले की शॉर्ट्स में ब्लॉग में देख चुके हो मुझे पहने हुए, पर मैं यहाँ पर भी अटैच कर दूंगा फॉर योर कंसर्न। तो वो है ये टी शर्ट। दिस इज अ लैवेंडर कलर टी शर्ट, लाइक लाइट लैवेंडर है, ज्यादा पेल वाला नहीं है कि आंखों को चुभे, ऐसा वाला कलर नहीं है इसका पर्पल। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी स्टफ। इसका जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा है, लाइक इट्स रियली कम्फर्टेबल फॉर समर्स एंड लाइक लेयरिंग करनी हो हमें विंटर में, जब हम लेयर करते हैं उसके लिए भी दिस इज रियली गुड। इट्स अ मस्ट मस्ट बाय थिंग, लाइक यू हैव टू परचेज दिस इफ यू लव टू प्लेन कलर्स, दिस इज अ रियली गुड परचेज। और मैंने इसको एक बार वॉश कर लिया है और इसका कलर एज इट इज है, इसमें मतलब एक होता है ना लाइट कलर हो जाता है, इसका वैसा भी सफ नहीं हुआ है। एंड कपड़े की क्वालिटी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, मैंने पहन के भी ट्राई कर लिया और धो भी लिया है, धोने के बाद इट्स सेम, बिल्कुल भी टी शर्ट खुली नहीं है, इसका साइज एज इट इज है, एंड इट्स क्वाइट स्ट्रेचेबल टू, वरना धोने के बाद इसकी स्ट्रेचेबिलिटी चली जाती है मोस्टली कपड़ों की, इसकी नहीं गई। इट्स अ वेरी गुड परचेज। फिलहाल इसको साइड रखते हैं, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट परचेज की तरफ। नेक्स्ट चीज है वो एक मतलब ऐसी चीज है विच यू शुड हैव इन योर वार्डरोब। ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए आपके वार्डरोब में, इफ यू वांट टू लुक एस्थेटिक, इफ यू वांट टू लुक बूजी बूजी बे वाला थिंग, सो यू शुड हैव दीज लाइक टू ऑफ थिंग्स इन योर वार्डरोब इफ यू वांट टू गेट माय वाइब आल्सो। समझो यार, एस्थेटिक। दीज आर पैंट्स, ये हमारी लूज पैंट्स है, दिस इज नॉट प्रेस्ड, ये मैंने अभी अभी वॉश करवाई है फॉर चेकिंग इसकी स्ट्रेचेबिलिटी खत्म तो नहीं हुई या फिर जो इसमें कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आई, ये खुला तो नहीं कपड़ा ऐसा कुछ। तो आई हैव लाइक वॉश्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट्स वाई थोड़ी सी क्रिंजी हो रही है, बट ये अभी भी स्ट्रेचेबल है, ये अभी भी वही कलर में है, ये अभी भी वही क्वालिटी में है, इट्स सेम, बिल्कुल सेम, इसमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आया अकॉर्डिंग टू मी। बाकी दिस इज अ मस्ट हैव थिंग इन योर वार्डरोब अकॉर्डिंग टू मी। मेरे को तो ये पर्सनली बहुत पसंद आई, मैंने एक बार पहन के भी देख लिया, मैंने लैवेंडर वाली जो पिछली टी शर्ट है उसके साथ ही पेयर करी थी, इट्स लुकिंग ग्रेट, इट लुक्स रियली गुड, इसने मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिलाए फर्स्ट डे ऑफ माई ऑफिस पे, एंड इट्स रियली गुड यार, यू शुड कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर वार्डरोब फॉर लुकिंग एस्थेटिक एंड लुक लाइक रियली जेंटल काइंड ऑफ थिंग है ये लो। फिलहाल हम दिखाते हैं अगली चीज, चलते हैं दूसरी चीज की तरफ, इसको रखते हैं साइड में।
नेक्स्ट तो जो नेक्स्ट मस्ट हैव वार्डरोब थिंग है अभी मतलब मेरे हॉल में से वो है ये एस्थेटिक लुकिंग ग्रे कार्गोज विच यू कैन पेयर विद एनी डार्क कलर विच यू कैन पेयर विद एनी लाइट कलर टू. ये तो मतलब ऐसा है ये भी लास्ट पैंट की तरह ही होनी चाहिए और ये मैंने दोनों सेम जगह से ली थी. क्वालिटी इज ग्रेट. मैंने ये भी ट्राई कर ली है, ये भी आपने मेरी वीडियोस में देख ली है. इट्स रियली नाइस. इसके साथ तो मैंने गेट रेडी विद मी भी फिल्म किया है भाई और इसके ऊपर इन दोनों पैंट्स के ऊपर तो मैंने लाइक वो जो वीडियो डाली थी कि यू मस्ट हैव लाइक और कौन सा था पालिका फाइंस ब्रांडेड ड्यूप्स का था ये पालिका फाइंस. ये मैंने उस वीडियो के लिए खरीदी थी और नाउ इट्स गोना बी माय फेवरेट. दीज टू आर गोना बी माय फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट लाइक पैंट्स कह लो या फिर एक मैंने ना पैंट ली थी ब्लैक कलर की सुपर ड्राई से वो भी कार्गोज ही है. लाइक इट गिव्स रियली एस्थेटिक वाइब दैट गिव्स और अभी तक वो मेरी फेवरेट थी बट नाउ दीज टू आर माई वन ऑफ माई फेवरेट पैंट्स और लाइक कार्गोज. दिस गिव्स मी वेरी माई वाइब वाला थिंग वेरी एस्थेटिक वाला वाइब वेरी बूजी वाला वाइब. These are the things which you should have must like in your wardrobe or in your जो भी तुम्हारे पास है इसमें होना होना चाहिए. इस चीज को हम साइड रख चुके हैं. अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट थिंग के ऊपर. वो भी काफी सुंदर है फिलहाल देखते हैं. हमारी नेक्स्ट चीज है वो आपने आई डोंट थिंक सो देखी है या फिर शायद आपने नोटिस करी होगी आई फील लाइक. तो ये जो चीजें है ना लाइक अब मेरे को ऐसा लग रहा है जो भी मैंने इस हॉल में सारी चीजें इंक्लूड करी है दीज ऑल आर वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स जो कि मैंने इस बार शॉप करी हैं चीजें और भी चीजें मैंने शॉपिंग करी हैं बट उन्हें मैं अभी इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उनके लिए कुछ एक स्पेसिफिक कॉन्टेंट ऑलरेडी मैंने रख के रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए. वो चीजें भी बहुत अच्छी हैं बहुत ज्यादा लाइक बहुत क्यूट सी चीजें हैं वो थोड़ी सी ना क्यूट वाले जोन में आ जाती है और उनमें से कुछ होम डेकोर भी है. होम डेकोर आ रहा है मेरी फेवरेट सेगमेंट होता है ये अभी तक मतलब मेरे हॉल वीडियो फर्स्ट है वैसे तो बट अभी मेरा मतलब जितना भी हॉल वाला होता है ना इसमें तो फिलहाल एकदम से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन चली गई होगी क्योंकि लाइट चली गई और जो मेरी मेन लाइट थी वो ऑफ हो गई और वो इन्वर्टर पे नहीं चल पाएगी. मैं दूसरी लाइट से ही आगे की वीडियो फिल्म कर रहा हूँ और लाइक अभी मैं तैयार भी हो रखा हूँ यार. आपने देखा होगा मुझे कुर्ते वुर्ते में मोस्टली आप नहीं देखते हो. एक्चुअली मैं कुछ और रील फिल्म कर रहा था तो मैंने सोचा साथ साथ हॉल वीडियो भी फिल्म हो जाएगी. तो मैं जैसे आपको बता रहा था होम डेकोर फाइंड्स इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग और जो भी अब चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ दीज आर वन ऑफ माय बेस्ट और फेवरेट परचेजेस कह सकते हैं. तो उन सब में सबसे पहली चीज जो है वो है पेंडेंट. दिस इज अ रियली 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 गुड ईविल आई पेंडेंट इन गोल्डन कलर. कई बार क्या होता है मेरे कुछ कपड़े ऐसे जिनके साथ ना मैं गोल्डन वाइब क्रिएट करता हूँ तो मेरे को ना चाहिए था कि कुछ नेक में भी गोल्डन ही हो. लाइक रिंग्स विंग्स आपने मेरी देखी होगी मेरे पास गोल्डन वॉचेज ऑलरेडी दो हैं और उनसे मैचिंग रिंग्स भी मैंने अब कलेक्ट कर ली हैं. तो जो मेरा पेंडेंट अब मैं लेके आया हूँ वो है ये. यू कैन सी इसका कलर आपको दिख रहा है ना. हाँ अब दिखेगा. इट्स अ रियली गुड गोल्डन कलर विद लाइक ईविल आई बना है इस पर पूरा. गोल्डन पे ही वो है लाइक उन्होंने मिनिमल सी लाइनिंग भी करी हुई है आई के उसमें सेंटर में और साइड्स पे. दिस इज अ रियली 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 गुड परचेज. आई रियली लाइक दैट. इसको भी हम साइड रखते हैं कि खराब ना हो जाए टार्निश हो जाता है मेटल. इसको साइड रखते हैं और जो अब हमारी नेक्स्ट परचेज है वो है ब्रेसलेट. पर्पल ब्रेसलेट है ये. आपने मुझे देखा होगा मैं मोस्टली ऐसे कलर ब्रेसलेट्स कैरी करता हूँ अपने आउटफिट्स के अकॉर्डिंग जो भी मेरा कलर मैच हो रहा होता है या फिर जो भी कॉन्ट्रास्ट में कितना फंबल कर रहा हूँ भाई तो जो भी मतलब मैं कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता हूँ अपने आउटफिट्स में उसमें मैं मोस्टली अपना कलर ब्रेसलेट भी रखता हूँ फॉर क्रिएटिंग लाइक ब्रेकिंग होती है ना जो कलर की एक पैलेट होती है उसको ब्रेक करने के लिए हमें एक अलग कलर चाहिए होता है तो उसे मैं मोस्टली यूज करता हूँ. आज मैंने व्हाइट पहना हुआ है क्योंकि होल व्हाइट आउटफिट है और जो रील बनानी है ना उसमें थोड़ा सा चाहिए था कि लाइक माला वाला होनी चाहिए हाथ में गले में. देखना आप इंस्टाग्राम पे वैसे तो यूट्यूब पे भी आ जाएगी वो जल्द बट फटाफट जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो वहां पे चेकआउट कर लेना क्या रील बनाई है क्या आने वाला है फर्दर. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई परचेजेस विच इज रियली गुड एंड आई रियली लव इट और मैं इसको पेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी लैवेंडर वाली टी शर्ट के साथ. देख रहे हो खरीदने के बाद सारी चीजें ना मेरी वो हो गई हैं कि लाइक आपस में मिलके अपने आप मैचिंग हो गई. सब चीजें बहुत अलग 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 जगहों से खरीदी है बेसिकली. इसको साइड रखते हैं चलते हैं दूसरी चीज की तरफ. दूसरी चीज आई नो आप लोगों को पता है मेरे हर एक आउटफिट में हर एक गेट रेडी विद मी में हर एक वीडियो में हर चीज में मस्ट हैव चीज होती है रिंग. रिंग्स मैं जरूर पहनता हूँ मेरे को रिंग्स का शौक भी है तो जो नेक्स्ट है वो भी एक रिंग ही है. यू कैन सी दिस टोटल ओपनहाइमर वाली वाइब ब्लैक एंड सिल्वर
ये ब्लैक एंड सिल्वर में रिंग मैंने ली थी, मेरे को एक वीडियो बनानी थी बारबी वर्सेस ओपनहाइमर, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं बारबी देखने नहीं जा पाया, ना ही ओपनहाइमर देखने जा पाया, जिसके साथ जाना था वो कहीं और चले गई, तो फिर वहाँ मैं गया नहीं। किसके साथ? क्या दीदी के साथ ही जाना था, कहीं आप लोग कुछ गलत मिस्टेक ना कर जाओ मेरे पॉइंट को। दीदी के साथ मुझे जाना था, पर दीदी कहीं और चली गई थी, नानी के घर चली गई थी अभी रिसेंट में। आँख में क्या चला गया यार, यार आँख में कुछ चला गया, सॉरी। तो दीदी चली गई थी नानी के घर पे, तब मैं बारबी भी नहीं देख पाया, ओपनहाइमर भी नहीं देख पाया, तो फिर वो कंपैरिजन या वर्सेस वाली वीडियो मेरी फिल्म नहीं हो पाई। थोड़ी बहुत मैंने फिल्म करी थी बट वो नहीं हो पाई, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट मैं कोशिश करूंगा कि अभी कुछ दिनों में ही मैं चला जाऊं देख लूं फिल्म, मेरा बहुत मन कर रहा है यार। एक फिल्म तो मैं सोच रहा हूं देख के आने की, एक दो फिल्म तो मैं जरूर देख के आऊंगा, मे बी गदर 2 देख के आऊंगा अभी, तो गदर 2 आने वाली है। फिलहाल ये रिंग तो लग रही है बहुत अच्छी, वन ऑफ माय बेस्ट परचेजेस। इससे मैचिंग भी, मतलब ये मैचिंग दो रिंग्स आती हैं ब्लैक में ना, दो रिंग होती है, फ्रेंड रिंग्स होती हैं, तो इसकी जो मैचिंग रिंग है वो मुझे किसी और को देनी है, वो मैंने रखी हुई है अपने पास अभी भी। और मैंने एक और रिंग ली थी, दो रिंग ली थी, वो किसी और के लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा फॉर प्राइवेसी कंसर्न, वो सिर्फ उनके लिए ही है, बहुत मन से खरीदी है मैंने, वो रिंग रखे रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिंग है वो है ये, यू कैन सी दिस, इसकी जो डिटेलिंग है ना, मैं आपको ये दिखाने के, मतलब बहुत मन है मेरा, ध्यान से देखो। इसकी आई में बेसिकली इट्स अ आउल, आउल का फेस, इसकी जो आई में डिटेलिंग है ना, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसकी जो आई में लाइक ब्लू और ब्लैक से जो इन्होंने मिरर इफेक्ट क्रिएट करा है ना, ऐसा आपको लगेगा कि आप से जिस भी एंगल से देखोगे ना रिंग को, इट गिव्स यू लाइक कि ये तुम्हें ही देख रही है। इट्स माई फिंगर्स आर वॉचिंग यू 24/7 क्यूडीज। तो ये रिंग थी एक, इसको रखते हैं साइड, चलते हैं नेक्स्ट रिंग की तरफ। ये भी काफी डिटेल्ड स्टेटमेंट पीस है, दीज आर वन ऑफ माई स्टेटमेंट पीस, या दीज आर भाई है मेरे पास स्टेटमेंट पीसेस बहुत सारे। इसका आप देखो, इसकी जो वो है डिजाइन, इट्स लाइक अ हैंड, कोई ऐसा उधर उधर चिड़िया होती है, चिड़िया अपना हाथ ऐसे कर लिया, तो इट्स लाइक दैट डिजाइन। और इसकी जो डिटेलिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इसके नेल और जो फुट की डिटेलिंग बनाई हुई है, इसकी फिंगर डिटेलिंग जो है शेप वाइज, कुछ भी कह लो, एवरीथिंग इज रियली ग्रेट, वर्थ है इसको खरीदना। इसमें मैंने जितने पैसे डाले हैं ना, वो वर्थ लग रहे हैं मुझे इसको लेने के बाद। अब समझ आ रहा है कि भाई ये सही किया मैंने लेकर, दिस इज अ रियली 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 गुड थिंग विच आई हैव गॉट। और यार एक और चीज थी, आई थिंक मेरे पीछे बॉक्स में ही रखी है। मैं आपको अपना एस्थेटिक बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा प्रेज करना, ओके। आई थिंक बॉक्स में मेरे रखी हुई है एक और चीज मैंने ली थी, आई नॉट शोन दैट थिंग, या आई फाउंड, I found cuties. I found. Okay. ये उनकी है दोनों rings. I will not show this. Next thing, this ring. Rings मैंने दो तीन लिए हैं, 5-6 रिंग ली थी, बाकी थोड़ी बहुत दिखा दी, जो मेरे को किसी और के लिए हैं वो उनके लिए रखे रहने देते हैं, वो आपको नहीं दिखाते हैं। तो ये भी एक तरीके से स्टेटमेंट पीस ही कह लो, क्योंकि जो इसके साइड्स के डिजाइन है ना, बीच का जो ब्लैक स्टोन है उसके साइड के जो डिजाइन है, टोटल वेम्पायर डायरीज वाली वाइब देते हैं, मैंने इसीलिए ली थी। काफी एकदम पिंटरेस्टी और विंटेज वाली वाइब्स देती है रिंग, इसीलिए मैंने ये ली थी। कुछ आउटफिट्स पे बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा, जब मैं ऐसी कोई विंटेज लुक क्रिएट करता हूँ ना अपने आउटफिट्स में, ऐसा इफेक्ट डालने की कोशिश करता हूँ विंटेज वाला, तब के लिए मैंने ये रिंग रखी है। मैं डेली वेयर में इसको नहीं पेयर करता हूँ, लाइक इट्स नॉट दैट डेली वाला थिंग, इट्स टोटली अ स्टेटमेंट पीस जो कि सिर्फ आउटफिट्स पे ही जाएगी, स्पेसिफिक इसकी वाइब वाले आउटफिट्स पे ही जाएगी ये रिंग। फिलहाल सारी ज्वेलरी इसको डब्बे में डाल देते हैं वापस से अपने खजाने में, खजांची डिब्बा, देख रहे हो डब्बा भी ऐसा जैसे राजा महाराजाओं के खजांचियों का डिब्बा होता था ना वैसा वाला, तो डब्बा तो हमने रख दिया। सारी चीजें आपने देख ली, आई होप आपको सारी चीजें पसंद आई हो, और आपके लिए आने वाली आगे और भी फैशन रिलेटेड, हॉल रिलेटेड वीडियोस, जिसमें कि मैं होम डेकोर आने वाली और भी आउटफिट्स, क्यूट क्यूट आ चीजें मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ, सब चीजें डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप यू लाइक इट, इफ यू डू देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज स्पैम दैम। ख्याल रखो अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, दंगे फसाद से बच के रहो, हर चीजों से दूर रहो, ऐसे लोगों से हाथ जोड़ो और निकल जाओ, ज्यादा किसी से लड़ो मत, ना ज्यादा कहीं लड़ाई कराओ। मेरी हॉल वीडियोस को लगातार देखते रहो, मेरे सारे ब्लॉग्स को प्यार दिया करो, भर भर के मेरी वीडियोस को प्यार दो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लूँ, और अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाऊँ आपको दिखाने के लिए, खुद बहन बहन कर उनको अच्छे से आपको दिखाऊँ भाई। अपना प्यार दिखाओ, शो योर लव एज मच एज यू कैन। आई होप यू लाइक दैट, इफ यू डू
Then do support me, cuties, by subscribing and sharing my YouTube channel. Do like my videos. Do comment as much as you can for boosting my videos. So I hope you liked it. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.